हाय एवरीवन, आज हम द अनबॉर्न मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को जॉगिंग करते हुए देखते हैं, जिसे कि रोड पर एक ग्लव्स पड़ा हुआ दिखता है। तो वो उसे उठाकर अपने पीछे देखती है, तो वहाँ एक लड़का होता है जो कि एक मार्क्स वाले डॉग में बदल जाता है और वो जंगल की ओर जाता है। तो वो लड़की भी उसके पीछे जाती है, जहाँ से उस डॉग का मास्क पड़ा हुआ दिखता है और उस मास्क की पट्टियाँ नीचे जा रही होती है। तो वो उस जगह को हटाकर देखती है, जहाँ से कांच के अंदर एक डरावना सा बच्चा दिखाई देता है। और ये सब वो लड़की सपना देख रही होती है, जिसका नाम कैसी होता है। वो अपनी फ्रेंड को इसके बारे में बताती है और उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि उसे जो जो दिखाई दिया उनका मतलब क्या है। फिर कैसी बात कर रही होती है, तो उसे ऊपर से आवाज आती है और इस घर में वो बेबी सिटिंग का काम करती है। तो वो ऊपर देखने के लिए जाती है, जहाँ पर बड़ा बच्चा छोटे से बेबी को आईने में दिखा रहा होता है, जिसे कैसी रोकने के लिए जाती है। तो वो उस पर कांच से मार देता है। फिर वो कैसी से कहता है जम्बिया पैदा होना चाहता है। इसके बाद उनके पेरेंट्स वहाँ जाते हैं, तो कैसी उनसे बात कर वहाँ से जाने लग जाती है, जिसे कि रोड पर वही ग्लव्स पड़ा हुआ मिलता है। फिर वो अपने घर आ जाती है, जहाँ उसके डैड भी होते हैं, और अपना फेस वॉश करके सोने के लिए जाने लगती है। तो उसके पीछे मिरर से आवाज आने लगती है, जिससे कि वो वापस जाकर देखती है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। फिर कैसी अगली सुबह खाना बना रही होती है, जहाँ एक अंडे में से कीड़ा निकलता है, जिससे कैसी बहुत ही डर जाती है। और वो उसे साफ करते हुए बाहर देखती है, तो उसे उस घर वाला लड़का दिखाई देता है, जिसके बारे में वो अपने दोस्तों को बताती है। तो उसकी फ्रेंड रोमी कहती है ये बुरा शगुन होता है, छोटे बच्चे को 1 साल तक शीशे में नहीं देखना चाहिए। और कैसी के पूछने पर बताती है वो जल्दी ही मर जाएगा। फिर कैसी अपनी क्लास ले रही होती है, जहाँ उसे कुछ होता है और उसे बोर्ड पर लिखा हुआ दिखता है जिमी अब पैदा होना चाहता है, और उसे अपने ऊपर मधुमक्खी जैसा कीड़ा दिखता है, तो वो इससे डर जाती है। फिर वो नाके बैठी हुई होती है, जहाँ रोमियो से बताती है कि उसकी आंख में गड़बड़ है, जिसे कैसी डॉक्टर को दिखाती है। तो डॉक्टर बताता है इसे हेटरोक्रोमिया कहते हैं, अक्सर ये पैदा इसी होता है। फिर डॉक्टर उसकी आंख की जांच करने के लिए पिक्चर्स ले लेता है। फिर कैसी अपने बॉयफ्रेंड मार्क के साथ जा रही होती है, जहाँ उसे रोड पर वही सपने वाला लड़का दिखाई देता है। और फिर वो अपने घर मार्क के साथ होती है, और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि कैसी मरने के बाद जीवन को नहीं मानती। फिर कैसी अपनी माँ के बारे में बताती है, जब वो उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में गई तो वे खिड़की की ओर ही देखे हुई थी, ऐसा ही था जैसे वे जा चुकी हो। और मार्क के पूछने पर कहते हैं उन्हें गोद लिया गया था, लेकिन आखिर में उन्हें पता चल गया होगा कि उनके माता पिता कौन थे। फिर हम कैसी की माँ को देखते हैं, जिनकी आंखें कैसी की तरह ही अलग होती है, और कैसी बताती है उसके एक दिन बाद वे मर गई थी। इसके बाद कैसी मुंह धोने के लिए जाती है और वापस आने लगती है, तो उसे फिर से आवाज आती है, जिसे कि वो वापस जाकर देखती है, लेकिन कैसी को वहाँ कुछ नहीं मिलता। और वो जाने लगती है, तो उसमें से फिर से आवाज आती है, जहाँ वो इस बार मिरर को हटाती है, तो उसे वो लड़का दिखाई देता है, जिससे कैसी डर जाती है। लेकिन मार्क आकर देखता है, तो वहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन कैसी इससे काफी डर गई होती है, तो वो शीशे को निकाल कर दूसरी जगह पर रख देती है। फिर कैसी अगले दिन वॉक पर जाती है, और रास्ते में वो जिस घर में बेबी सिटिंग कर रही थी उसमें देखती है, तो वो छोटा लड़का मर चुका होता है। फिर वो डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर उसका रिजल्ट देखते हुए उससे पूछता है क्या तुम्हारा कोई जुड़वा है, लेकिन कैसी उन्हें बताती है कि वो सिर्फ अकेली है। तो डॉक्टर कहता है कभी कभी जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो कुछ मात्रा में खून की अदला बदली हो जाती है, मुझे लगता है ये उसी की वजह से है। तो कैसी वहाँ से अपने डैड के पास जाती है और उनसे इसके बारे में पूछती है। तो उसके डैड कहते हैं उसका एक भाई होता, लेकिन वो पेट में मर गया था, जिसे सुनकर कैसी काफी हैरान होती है। वो अपने डैड से पूछती है क्या उसका कोई नाम था, तो उसके डैड कहते हैं उनके पैदा होने से पहले उन्होंने उनके निकनेम दिए थे, और फिर कहते हैं हमने उसका नाम जम्बी रखा था, जो कि वही नाम होता है जो उसे बच्चे ने बताया और उसे बोर्ड पर दिखाई दिया था। फिर कैसी अपनी मॉम और उसकी पुरानी फोटो देख रही होती है, और उसमें उसकी मॉम के रखे हुए कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं, और उसमें उसकी मॉम की एक फोटो होती है, जिसमें वो आईना लगाकर देखती है, तो उसे वो लड़का दिखाई देता है। फिर कैसी अपने दोस्त के साथ उस आर्टिकल वाली औरत को ढूंढने के लिए जाती है, जिसका नाम सोफी होता है, जो कि काफी पुराना था। तो वे वृद्धाश्रम में जाते हैं, जहाँ उन्हें एक जगह सोफी मिल जाती है, जो कि कैसी की आंख को देखकर कहती है क्या तुम जुड़वा हो। तो कैसी उन्हें बताती कि वो थी और उनसे पूछती है कि आपको कैसे पता। तो सोफी कहती है उसका भी एक भाई था, इसलिए वो दूसरों में भी यही अंदाज महसूस कर सकती है। तो कैसी उसे अपनी माँ का नाम बताती है और उसे वो आर्टिकल दिखाती है, जो कि उसकी माँ की चीजों से मिला था। फिर कैसी उनसे पूछती है, तो सोफी उसे बताती है कि वो उनकी माँ को नहीं जानती थी। तो कैसी उसे अपनी माँ की फोटो दिखाती है और उस लड़के के बारे में बताती है, जिसे देखकर सोफी घबराती हुई ने वहाँ से भेज देती है। तो कैसी रोमी से कहती है उसे कुछ पता है, तो रोमी मना करते हुए कहती है तुम्हें एक सपना आया और तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ, ये सब बस एक इत्तेफाक है। तो कैसी उसे बताती हुई कहती है मैं पागल नहीं हूँ, मुझे कुछ अजीब चीजें दिखाई दे रही है। और रोमी तो ऐसी चीजों को मानती है, तो कैसी उससे कहती है क्या तुम्हारे पीछे कोई ऐसा भूत पड़ सकता है जो पैदा ही ना हुआ। फिर कैसी मार्क के साथ होती है और अपनी मॉम के हॉस्पिटल वाली वीडियो चलाती है, लेकिन इसमें उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखता। और जाते हुए मार्क को बताती है मुझे लगता है उन्होंने ये चीजें किसी खास मकसद से छोड़ी है, शायद वे मुझे कुछ बता
जाने की कोशिश कर रही है। फिर मार्क कैसी को एक क्लब में ले जाता है जहाँ वो थोड़ा सही फील कर सके, और वे ड्रिंक लेने के लिए जाते हैं तो कैसी को फिर से कुछ होता है। जहाँ वो भीड़ में देखती है तो उसे वो लड़का दिखाई देता है, तो इसे ठीक होने के लिए वॉशरूम में आ जाती है जहाँ उसे उल्टी आती है और वो वहाँ बैठी होती है, जिसके साइड में उसे एक होल दिखाई देता है तो वो उसे देखती है जिसमें से कि कीड़े गिरने लगते हैं। इससे डरकर कैसी बाहर आती है तो वहाँ उसके आसपास बहुत सारे कीड़े होते हैं और उसके सामने उसकी मॉम होती है जो उसे आवाज लगाती है। फिर वहाँ कैसी की आवाज सुनकर मार्क आते हैं तो कैसी देखती है कि वहाँ तो सब कुछ नॉर्मल होता है। तो फिर कैसी घर जाने के बाद रोमी से बात करती है और कहती है कहीं मेरी भी मौत मेरी माँ की तरह ना हो, अगर मेरे पीछे कुछ पड़ा है तो मुझे अपनी हिफाजत करनी होगी। तो रोमी कैसी के दोनों पॉइंट्स खुले रखकर उसे तकिए के नीचे रखने को कहती है और बताती है इससे बुरी आत्माएं दूर रहती है। फिर कैसी ऐसा ही करती है और फिर सो जाती है, लेकिन जब वो आंखें खोलती है तो वो नीचे सो रही होती है जहाँ उसके पास वो लड़का होता है जो कि उसके पेट को फाड़ रहा होता है, जिससे डरकर कैसी की आंखें खुल जाती है और उसे सोफी का कॉल आता है जो कि उसे बात करने को कहती है। तो कैसी रात को ही सोफी के पास चली जाती है जहाँ वो उसे बता देती है कि तुम्हारी माँ मरने से पहले उसे मिलने के लिए आई थी और कहती है उस रिफ्लेक्शन में वो लड़का तुम्हारा परनाना था जो कि सोफी का भाई होता है, और बताती है जब वे दोनों नाजियों के साथ एक साथ थे जहाँ के ऑफिसर को लगा कि जुड़वा बच्चे जेनेटिक्स के रहस्य को खोल सकते हैं और उन्होंने उन पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जिससे उसका भाई मर गया था, लेकिन वो फिर से दो दिन बाद वापस आ गया। लेकिन अब सोफी को पता चल गया था कि अब वो उसका भाई नहीं रहा और सोफी कहती है जैसे उसके शरीर में कुछ और ही बस रहा था। फिर कैसी को डिब्बुक के बारे में बताती है जो कि मरे हुए इंसान की आत्मा होती है जिसका स्वर्ग जाना बंद होता है और वो दोनों दुनियाओं के बीच भटकती रहती है नए शरीर की तलाश में, और खासकर जुड़वा लोग उनके आने का रास्ता बन जाते हैं क्योंकि जुड़वा एक तरह का आईना होता है और आईना हमेशा दूसरी दुनिया का रास्ता बनाए। फिर कैसी से कहती है तब से वो वापस आने का रास्ता ढूंढ रहा है और कहती है उस डिबुक का खून हमारे अंदर है, इस चीज ने जुड़वा बच्चे को हासिल न कर सका तो वो तुम्हें शिकार बना लिया, अब तुम उसके आने का रास्ता हो, वो हमेशा तुम्हारे आसपास ही घूम रहा है। और कैसी इसे रोकने के बारे में कहती है तो सोफी उसे एक आइनों की किताब के बारे में बताती है और एक सेंडक नाम के आदमी के बारे में बताती है जो उसकी मदद कर सकता है। तो कैसी ऐसा ही करती है और उस आइने की किताब को लेकर सेंडक के पास जाती है जो कि एक थेरेपिस्ट होता है। कैसी उस किताब को सेंडक को दिखाती है और सेंडक से कहती है मुझे अपने ऊपर एक्सोसिज्म करवाना है और उसे डिबुक के बारे में बताती है। तो सेंडक कहता है ऐसी कोई चीज होती नहीं है, ये सिर्फ कहानियां होती है, उस समय के लोग बीमारियों को समझ नहीं पाते थे। और कैसी के कहने पर सेंडक कहता है चलो मान लेते हैं, लेकिन ये मेरी क्षमता के बाहर है, ये सब करने वाले को उन आत्माओं पर विश्वास होना चाहिए। इससे कैसी काफी उदास हो जाती है। तो सेंडक कहता है मैं इसमें शायद कुछ रिसर्च कर सकूं और मदद के लिए किसी को बुला सकता हूं। तो कैसी इसके लिए मान जाती है और उसके पास ही किताब को रखने को कहती है ताकि सेंडक उसे ट्रांसलेट कर दे। और कैसी को सोफी ने एक लॉकेट दिया होता है जिसे कि वो पहन लेती है, जिसके बाद वो घर जाकर सभी आइनों को हटा देती है और घर में विंचेंट्स लगाने को कहती है जिनसे कि उसे पता चल सके कि वो उसके आसपास ही है। और सोफी ने उससे कहा होता है कि वो तुम्हें अलग करने की कोशिश करेगा। फिर कैसी अपने माँ के हॉस्पिटल की रिकॉर्डिंग देखती है तो उसमें वो डॉग दिखाई देता है। फिर हम रोमी को देखते हैं जो कि कार से जा रही होती है तो उसके सामने वो लड़का आ जाता है जिसे रोमी देखने के लिए जाती है तो वो ठीक होता है और उससे कहता है वो नहीं चाहता कि तुम कैसी की मदद करो। लेकिन रोमी उसकी बात न मानकर कैसी के पास पहुंच जाती है जहां कैसी उसे बताती है कि सोफी उसकी नानी है और कहती है उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया, ये जो भी हो रहा है मेरे साथ वो सब कुछ सच है, ये जो भी है इसकी वजह से मेरा भाई मर गया और मेरी माँ भी पागल हो गई। फिर कैसी रोमी को उससे दूर रहने को कहती है ताकि वो उसे कोई चोट ना पहुंचा पाए, लेकिन रोमी उससे कहती है कि वो उसकी दोस्त है, वो हमेशा उसके साथ ही रहेगी। इसके बाद कैसी सोने लगती है तो उसे एक सपना आता है जहां वो हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास मिलने के लिए जाती है और वो उनका चेहरा देखती है तो वो कुछ और होता है जिससे डरकर उसकी आंखें खुल जाती है और फिर वो खिड़की से देखती है तो वो लड़का उसे वहीं दिखाई देता है। फिर हम सोफी को देखते हैं जिसके पास वे घंटियां हिलने लगती है, ये देखकर सोफी लाइट को जलाने लगती है लेकिन वो नहीं जलती तो वो बैटरी लेकर रूम से बाहर देखने के लिए जाती है जहां पर एक बूढ़ा आदमी होता है लेकिन वो पैरालाइज होता है। और फिर सोफी सीढ़ियों से नीचे जा रही होती है तो उसे ऊपर से आवाज आती है जहां पर उस आदमी की कुर्सी गिरी हुई होती है और वो नीचे से चलकर आ रहा होता है और वो अपनी मुंडी घुमाकर सोफी की ओर आने लगता है तो सोफी उससे बचने के लिए ऊपर जाती है, लेकिन वो उसके पीछे आ रहा होता है तो सोफी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है जहां वो उससे बचने के लिए एक रूम के अंदर चली जाती है लेकिन वो लड़का उसके पीछे से आ जाता है। फिर अगले दिन कैसी को सोफी का मरने का पता लगता है जहां जाकर कैसी उसे देखकर आती है और वो इसे काफी दुखी हो जाती है, जहां एक लेडी आकर उसे सोफी का लेटर देती है जो कि उसे देने के लिए कहा था, जिस पर सोफी कहती है तुम्हारी माँ ने और मैंने इसे रोकने की कोशिश करी लेकिन हम नहीं रोक पाए, अब वो तुम्हारे पीछे आ रहा है, वो तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेगा और वो तुम्हें अकेला करने के लिए
लिए परिवार और दोस्तों पर हमला करेगा, पर वो तुम हो जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके बाद हम रात को सैंडक को देखते हैं जो कि उस बुक को पढ़ रहा होता है, जहां अचानक ही उसके वहां भी लाइट चली जाती है। तो सैंडक बैटरी लेकर नीचे देखने के लिए जाता है, जहां बीच में उसकी बैटरी भी खत्म हो जाती है और वो अपने सामने देखता है तो उल्टे मुंह वाला डॉग उसकी ओर आ रहा होता है। लेकिन सैंडक उससे नहीं डरता और उसे वहां से जाने को कहता है, तो वो वहां से चला आता है और वहां लाइट फिर से आ जाती है। फिर हम कैसी को देखते हैं जो कि रोमी से बात कर रही होती है और उसे बताती है कि वो सब कुछ छीन लेगा जिनसे मैं प्यार करती हूँ। जहाँ रोमी के घर पर कोई आया होता है तो वो उसे देखने के लिए जाती है। तभी कैसी कॉल पर देखती है तो उसे वो लड़का दिखाई देता है, तो वो जल्दी से मार्क को कॉल करके रोमी के घर मिलने को कहती है। फिर हम रोमी को देखते हैं जो कि दरवाजा खोलती है तो उसके सामने वही लड़का होता है जो कि उसे चाकू मार देता है। तो रोमी उसे बचने के लिए ऊपर जाने लग जाती है, जहाँ मार्क और कैसी भी उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन दरवाजा बंद होता है तो वे खिड़की के रास्ते से जाते हैं, जहाँ पर उस लड़के का चेहरा काफी डरावना होता है, जिसे कि मार्क पकड़कर साइड में कर देता है। लेकिन वो लड़का अब नॉर्मल हो जाता है और वे देखते हैं कि रोमी में वो गोश्त चला जाता है। तो कैसी उस लड़के को लेकर मार्क से वहाँ से बाहर जाने को कहती है। इसके बाद उस लड़के के पेरेंट्स और पुलिस आ जाती है, लेकिन अब उसकी दोस्त रोमी मर चुकी होती है। फिर कैसी मार्क को इस सब के बारे में बता देती है और कहती है वो किसी के भी शरीर में जा सकता है, भले ही वो मरा हुआ शरीर हो। इसके बाद वे दोनों सैंडक के पास जाते हैं, जहाँ सैंडक उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, जहाँ पर सैंडक का आर्थर नाम का एक साथी भी होता है, क्योंकि सैंडक तो उन चीजों को नहीं मानता था लेकिन उसका दोस्त मानता है। और आर्थर कहता है जो भी चीज तुम्हारे पीछे पड़ी है वो धर्म स्थापना से पहले की है, इसलिए जरूरी नहीं कि एक धर्म की चीज काम करे, दूसरे धर्मों की भी काम कर सकती है। और सैंडक कहता है मैंने इस किताब को ट्रांसलेट किया है तो मैं इस अनुष्ठान को लीड करूंगा, जिसमें आर्थर और उसके कुछ साथी भी साथ होंगे। फिर वे सब रात को कैसी के माँ के हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पर वे ये सब करने वाले होते हैं। और सैंडक कैसी को बताता है कि इसके लिए हमें 10 लोग चाहिए थे। फिर सभी से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए ये एक्सोसिज्म पूरा होना चाहिए। फिर वे सब कुछ अपना तैयार कर लेते हैं और कैसी को एक जगह टेबल पर बांध देते हैं, ताकि जब भी आत्मा को बुलाए तो कैसी उस चलकर कहीं गिर न जाए। और सैंडक कैसी को समझाता है जब वो आत्मा आए तो तुम कोशिश करना कि उससे न डरो। फिर सैंडक उस किताब को पढ़ना शुरू कर देता है, जिसके साथ साथ वे लोग भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। और फिर वे पढ़ते रहते हैं तो वहाँ वो आत्मा आ जाती है, जिससे कि कैसी हिलने लगती है और वो सामने देखती है तो वो लड़का वहाँ आ गया होता है। और फिर वो लाइट्स ऑफ करके ऑन करता है तो वो उनके बीच ही आ गया होता है, जहाँ से वो उन पढ़ने वाले लोगों को दूर कर देता है और उनमें से कईयों को तो मार देता है। ये देखकर मार्क कैसी को खोल देता है और सैंडक अभी भी पढ़ रहा होता है तो वो लड़का सैंडक पर लाइट दे मारता है। इसी बीच मार्क कैसी को अपने साथ लेकर वहाँ से चला आता है, तो वो लड़का आर्थर के पास आता है और उसके अंदर चला आता है। और कैसी ये वहाँ से एक जगह जाकर छुप जाते हैं, जहाँ अचानक ही पीछे से आर्थर आकर मार्क को ले जाता है, जिसे कि कैसी मार्क को मारने से रोकने लगती है। इससे मार्क को वक्त मिल जाता है और वो रॉड लेकर आर्थर को मार देता है। तो कैसी वहाँ से मार्क को चलने को कहती है, लेकिन वो मार्क के अंदर चला आता है, जिससे कि वो चुड़ा के आगे भाग जाती है और आसपास देख ही रही होती है। लेकिन मार्क उसके पीछे आ जाता है और वो उसे मारने लगता है। तो कैसी खुद को बचाने के लिए अपना लॉकेट तोड़कर मार्क की गर्दन में मार देती है, लेकिन मार्क अभी भी उसकी ओर आ रहा होता है, जहाँ पर सैंडक पड़ता हुआ आ जाता है और कैसी और सैंडक दोनों उसे पढ़ने लग जाते हैं। तो वो लड़का मार्क के शरीर में से जाते हुए उसे पीछे फेंक जाता है, जहाँ कैसी उसके पास जाती है तो वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और फिर वो मर जाता है। फिर ऐसे ही दिन गुजरते हैं और कैसी को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर वो चेकअप कराती है तो डॉक्टर उसे बताती है कि उसके पेट में जुड़वा बच्चे हैं, क्योंकि उनमें से एक वो गोश्त होता है। ये सुनकर कैसी काफी शॉक होती है। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको नई और ऐसी ही मजेदार मूवीज एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।